फ्रेंड्स, आज मेरा व्हाट्सएप ग्रुप इलेक्ट्रिकल गुरुकुल में एक मैसेज आया था। 16 एम्पियर कितना किलोवाट का होता है और 6 एम्पियर कितना किलोवाट का होता है, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए और जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह बहुत आसान होगा, आप मेरे से बहुत आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। सो अभी मैं आता हूं आज का क्वेश्चन का ऊपर में। ऐसे तो कुछ दिन पहले मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया था, हम कैसे किलोवाट को करंट में कन्वर्ट करेंगे, और सिंगल फेज के लिए और थ्री फेज के लिए दोनों के लिए बनाया था। आज एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है उसका ऑपोजिट है, मीन्स रिवर्स है। मीन्स अभी हम कैसे जानेंगे, जब हमको करंट दिया गया है हम उसको किलोवाट कैसे निकालेंगे। ये देखिए बहुत आसान है, इसे सभी को पता है। जैसे सिंगल फेज लोड है उसी में हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। और जब यही बात थ्री फेज पावर का आता है उसका फॉर्मूला होता है, जो थ्री फेज पावर है रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव। इसमें देखिए लाइन करंट और लाइन वोल्टेज और पावर फैक्टर लिया गया। ये जो फॉर्मूला है आप इसी को लेके पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कहना थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, आपको हो सकता है कैलकुलेट करना पड़ेगा, पावर फैक्टर लेना पड़ेगा, ये सभी लेके आपको करना पड़ेगा। लेकिन इन एक्चुअली जब आप कोई जगह में काम करते उसी टाइम में आपको फटाफट कैलकुलेट करना पड़ता है कितना करंट कितना किलोवाट का होता है, और ये जानना बहुत जरूरी है। एक थंब रूल है, आपको उसको जानना बहुत जरूरी है। थंब रूल जानने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो थंब रूल कैसे बनाया गया है, अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक किलोवाट का लोड है, एक किलोवाट मीन्स 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाटेज। उसी टाइम आप वोल्टेज ले सकते हैं 250 वोल्ट और पावर फैक्टर भी 0.9 या कुछ भी ले सकते हैं। इसी टाइम में जैसे हम करंट निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला से देखेंगे तो I इक्वल टू पावर डिवाइड बाय V कॉस फाइव मीन्स 1000 डिवाइड बाय 250 इंटू 1/0.9। इसको 1 में लिखने का मीनिंग अलग है, मैं इसको इजी करना चाहता हूँ, ये वाला पॉइंट को इजी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अलग लिखा हूँ। जैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये आंसर आएगा 4 × 1/0.9 मीन्स 4.44 एम्पियर। ये बात का आप नोट कर लीजिए, जैसे कि 1 किलोवाट लोड हम 250 वोल्ट देंगे तो करंट लेगा 4.44 एम्पियर। लेकिन ये बात का आप ध्यान रखिए, ये हमेशा ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं 250 हमेशा हमारा वोल्टेज नहीं रहता है, कभी कभी वोल्टेज कम हो जाता है। इसीलिए मान लीजिए इसको मैं 230 वोल्ट लूंगा तो ये करंट और भी बढ़ जाएगा। मीन्स अगेन मैं कैलकुलेट करके देता हूं, 1000 / 230 × 1/0.9 इसका आंसर होता है 4.83 एम्पियर। आप सोचिए 4.44 एम्पियर या 4.83 एम्पियर, कोई भी आंसर हो ये नियर टू आप एवरेज 5 एम्पियर ले सकते हैं। आप ये बात को समझ लीजिए, अभी मान लीजिए 4.44 में लूं या 4.83 लूं, इसको मैं 5 एम्पियर ही मानूंगा। आज ए थॉम रूल मैं 5 एम्पियर ही मानूंगा। सो अदर वर्ड आप उसको बोल सकते हैं 1 किलोवाट 5 एम्पियर करंट लेता है, और ये वाला सिंगल फेज लोड है, राइट ये सिंगल फेज लोड है, मीन्स 1 किलोवाट 5 एम्पियर लोड लेगा। लेकिन हमारे मार्केट में जो एमसीबी मिलता है उसका रेटिंग होता है 6 एम्पियर
10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर एंड 32 एम्पियर। इसमें सिंगल पोल आता है, डबल पोल भी आता है, थ्री पोल आता है, फोर पोल भी आता है, सब आता है। ओके, अभी देखिए जब हम सिंगल फेज लोड दे रहे हैं 5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, ये 1 किलोवाट का है, लेकिन नॉर्मली जो जगह में हम यूज करते हैं उसे थोड़ा हायर रेटिंग लगाया जाता है। मींस हम 6 एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे तो दैट इज रेटेड फॉर 1 किलोवाट। ओके, तो 10 एम्पियर है इक्विवेलेंट टू 2 किलोवाट, 16 एम्पियर जो है इक्विवेलेंट टू 3 किलोवाट, और 20 एम्पियर जो है 20 डिवाइड बाय 5 कीजिए 4 किलोवाट, और 25 डिवाइड बाय 5 कीजिए 5 किलोवाट, और 32 है 32 डिवाइड बाय 5 कीजिए 6 पॉइंट समथिंग आता है, आप इसको 6 किलोवाट ले सकते। अभी आप समझ गए होंगे ये जो सीक्वेंस दिया गया है 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, बिल्कुल आसान है ये सीक्वेंस। आपको याद रहेगा तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, ये बिल्कुल क्लियर है। और कोई भी करंट दे आप उससे आराम से किलोवाट निकाल सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मान लीजिए कोई आपको बताया 50 एम्पियर से, ये 50 एम्पियर कितना किलोवाट होगा, सिंपली 50 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, उसका आंसर होगा 10 किलोवाट। ओके, मींस 50 जो है 10 किलोवाट लोड। मुझे लगता है सिंगल फेज में अब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आप ये बात समझ गए होंगे कि हम कैसे करंट को या एम्पियर को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन थ्री फेज में क्या होगा इसमें थोड़ा सा अच्छा से सोचिए। जो 5 एम्पियर है एक फेज में लेता है, 5 एम्पियर क्या है ना एक फेज में लेता है सिंगल फेज सिस्टम में, मींस एक फेज में जब करंट जाता है 5 एम्पियर 1 किलोवाट लोड होता है। लेकिन जब 3 फेज हो जाएगा मींस सभी फेज में 5-5 एम्पियर जाएगा तो किलोवाट कितना होगा, इसको मान लीजिए हम टीपी या 4P में ले रहे हैं, कितना होगा नेचुरल इसका 3 टाइम्स 3 किलोवाट हो जाएगा, मींस 5 एम्पियर जो है 3 किलोवाट हो जाएगा। अभी अगेन देखिए मैं जैसे बताया था पहले आपको 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर और 32 एम्पियर, ये वाला देखिए जब हम सिंगल फेज का लोड लेते हैं उसी टाइम में होता है 1 किलोवाट, 3 फेज में कितना होगा नेचुरली ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 3 हम करेंगे, मींस 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 9 किलोवाट, 12 किलोवाट, 15 किलोवाट, 18 किलोवाट, मींस 32 एम्पियर का एमसीबी या स्विच 3 फेज होगा तो 18 किलोवाट लोड ले सकता है। ये देखिए बिल्कुल आसान है। अगेन इसी बात को मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए अगेन 3 फेज में कोई करंट दिया है, कोई आपको बताता है कि 60 एम्पियर करंट ले रहा है 3 फेज में, फिर वो कितना किलोवाट का है, इसको कैलकुलेशन करने का 2 रास्ता है। पहले आप इसको सिंगल फेज कर सकते हैं, मींस 60 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए 12 किलोवाट हो गया और आपका 3 फेज का है, इस मींस 36 किलोवाट है, राइट। और दूसरा रास्ता है जब 60 एम्पियर एक तार में लेता है, तीनों तार में लेता है, 60 इंटू 3 मींस 180 एम्पियर, और 1 किलोवाट का 5 एम्पियर है, 180 एम्पियर को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 36 किलोवाट।
सो ये बहुत आसान है, मीन्स 5 एम्पियर इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट। सो ये बात का दिमाग में बैठा लीजिए और ये बात को समझ लीजिए कि हम कैसे करंट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो क्वेश्चन आया था वो व्हाट्सएप ग्रुप में, 16 एम्पियर का एमसीबी एक्चुअली 3 किलोवाट लोड ले सकता है, और गीजर का लोड 3 किलोवाट से ज्यादा है तो, या वो गीजर का जो स्विच इतना करंट नहीं लगा, वो 16 एम्पियर का एमसीबी या 16 एम्पियर का स्विच होगा तो 3 किलोवाट का लोड ले सकता है, लेकिन उसी जगह में 6 एम्पियर का स्विच लगा है तो वो जरूर जल जाएगा। ओके, और गीजर का रेटिंग नॉर्मली 2 किलोवाट होता है, इसीलिए 6 एम्पियर का जो स्विच है वो कभी भी काम नहीं करेगा, वो स्विच डैमेज हो जाएगा। अगेन मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिए। आप डायरेक्ट वहां पे जाकर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन को मैं देखूंगा और रिसर्च करूंगा और उसका आंसर भी वीडियो बना के हो या उसी ग्रुप में मैं दे दूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका जो इलेक्ट्रिकल दोस्त है या जो इलेक्ट्रिकल के ऊपर में इंटरेस्ट रखता है उसका साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ और एक नया वीडियो के साथ में। नमस्कार।